नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान लोक सेवा क्षेत्र के मैरवा शहर में राजद के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी का रोड शो किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे तमाम समाज के लोग या फिर व्यवसायी समाज के लोग हैं, सभी लोग अवध बिहारी चौधरी के साथ रोड शो कर रहे थे। अवध बिहारी चौधरी देख सकते हैं किस तरीके से रोड शो कर रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पे। ये भी आप देख सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जो गांधीवादी नेता कहे जाते हैं, किस तरीके से मैरवा के लोगों का इन्हें सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि सिवान लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और अवध बिहारी चौधरी का कहना है कि मैं सब पर भारी पड़ रहा हूँ और इस बार तो जनता ने मूड बना लिया है कि राजद को वोट दे करके और लालटेन को जलाना है और लालू यादव तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सिवान के मैरवा की यह तस्वीर है जहां पर रोड शो अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया। भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा था और अवध बिहारी चौधरी जिस रूट से निकल रहे थे, लोग अपने छतों से फूलों की बारिश भी कर रहे थे और माला पहनाकर जमकर स्वागत भी कर रहे थे। आइए सीधे ले चलते हैं और दिखाते हैं पूरे इस वीडियो को कि मैरवा में किस तरीके का रोड शो हुआ, कितना जनसैलाब उमड़ पड़ा था अवध बिहारी चौधरी के इस रोड शो में। एटीएन लाइव के लिए मंटू ओझा के साथ चंदन कुमार सिवान।
अभी अजमेर चौधरी बारे में पहुंच रहे हैं, आप लोग उनके स्वागत में स्वागत के लिए तैयारी में आप लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के न्यूज़ जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको धन्यवाद देंगे और चाहेंगे कि यहाँ से 8:30 बजे हम लोग के महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी का जनसंपर्क बाजार में तेरहवें वार्ड में होने वाला है। अधिक से अधिक लोगों को मैं आग्रह करूँगा कि सब लोग आएँ और उनसे उनके बातों को सुने और लाभ उठाएँ। कल तेजस्वी यादव मेरे में पहुंचे हुए थे, क्या माहौल है यहाँ का? पूरा बिहार में कई माहौल है, लड़केन छाप तीन तरह छाप जहाँ पंजा छाप है तो पंजा छाप, चाहे लेडीज पर्स मुकेश सहनी का वहाँ पर लेडीज पर्स छाप, एक ही माहौल है। दूसरा माहौल क्या है, पूरा देश और का लड़ाई है, संविधान बचाने का लड़ाई है, युवाओं का रोजगार देने का लड़ाई है, फैक्ट्री का कारण लगाने का लड़ाई है। यहाँ पर देखे नहीं, इसी तरह पूरे देश में हल्ला है, रोजगार मसीहा है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव क्या क्या लोगों से कहे थे कल? क्या तेजस्वी यादव क्या क्या कहे कल लोगों से? तेजस्वी यादव ने आह्वान किए हैं भाई कि सभी लोगों को समर्थन दीजिए और महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आप लोग बनाइए और उसके बाद देखिए आने वाला 15 तारीख को मैनिफेस्टो में लागू हुआ है कि 15 अगस्त के दिन 1 करोड़ रोजगार सृजन किया जाएगा, सभी युवाओं को दिया जाएगा और प्रत्येक महिला को हर घर में रक्षाबंधन के दिन से 1-1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार में दिया जाएगा, उसमें कहीं कोताही नहीं है। विपक्ष का यूनिट जो किसानों को बिजली बिल है 200 यूनिट फ्री में दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, 50 यूनिट चल रहा है तो 1500 रुपये आ रहा है टैक्स उसका, 200 यूनिट फ्री में दिया जाएगा। शिक्षा पर जो 15% 18% GST बढ़ा है उसको मुक्त किया जाएगा। स्वास्थ्य का काम देखते किया, 17 महिला जो रहे थे यहाँ पे सारा व्यवस्था मिला है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि 15 साल से नगर पंचायत का लड़ाई था कि मैरवा को अनुमंडल बनाया जाए। देखिए 17 महीना के कार्यकाल में श्री अवध बिहारी चौधरी के कर कमों द्वारा और विधायक के कर कमों द्वारा एकदम उनको मान्यता दिया गया और कार्यकाल भी यहाँ पर चालू हो गया है। यहाँ पर DSP पर बैठे हैं, मैरवा कॉन्वेंशन का दर्जा भी दिया गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है मैरवा के लिए। यहाँ पर जमीन हड़पने का काम नहीं किया गया है, कॉलेज बंद कराने का काम नहीं किया गया है, यहाँ पर कॉलेज खोलने का काम किया गया है, यहाँ पर व्यवस्था देने का काम किया है। इसीलिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे आने वाला 25 तारीख को EVM के क्रमांक संख्या 1 पर लालटेन छाप पर बटन दबा के श्री अवध बिहारी चौधरी का भारी मतों से जिताने का काम करिए। विपक्ष के जो लोग हैं बोल रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा को घोषित तो उन लोगों ने नहीं किया है और वो लोग सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा, क्या यह सच बात है? मंदिर तो वही लोग पुजारी नहीं है, हमारे यहाँ भी लोग मंदिर के पुजारी हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, ऐसे कोई बहकावे में जाने वाला लोग नहीं है। अरे तय हो गया है, उन लोगों को बेचैनी है, हम लोग दलित परिवार से प्रधानमंत्री बनेगा, सब लोग जीतेंगे इंडिया गठबंधन में, सब लोग तय करके अपना बनाएंगे। इसमें हलबली क्या है, एक ही आदमी है नरेंद्र मोदी, पैदल यात्रा करने के लिए एक ही बिहार में वही मंत्री है भाजपा के, और तो कोई आके देख ले, देख नहीं रहे खेदा रहा है लोग, जदयू का संसद खेदा रहे हैं जगह जगह सभा में, भाजपा के संसद पदाधिकारी लोग खेदा रहे हैं आपके सामने की बात है। एक नरेंद्र मोदी बचे हैं तो क्या करेंगे, झूठ का पुलिंदा बांट रहे हैं, जो कहे वो किए हैं। यहाँ पे महागठबंधन सरकार ने 17 महीने में जो किया अपने मैनिफेस्टो में लागू किया था वो करके दिखाया है, इसमें कोई दुराई नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, हमें कहीं दुराई नहीं है, निर्दल सीट का कहीं लड़ाई में नहीं है। सारे लोग काल परसों से पलटी मारना चालू कर दिए हैं, आज माले हमारे साथ है, कल हमारे माले पार्टी हमारे साथ नहीं था तो वही लोग थे जो हत्या अपहरण करवा रहे थे, आज वो हमारे साथ आ गए हैं तो वही लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि हिना साहब को हम लोग जिता रहे हैं, लेकिन वो लोग वोट देने वाले नहीं हैं। हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, हम लोग उस पंचायत के प्रतिनिधि हैं और जीते भी हैं, लड़ते भी हैं, वो लोग वोट देने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोग निवेदन करेंगे सभी गरीब मजदूर किसान के लोग हैं, वो लोग एक एक वोट अपना लालटेन छाप पर देने के काम करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। श्रीकांत यादव, जिला महासचिव, सह प्रभारी मैरवा। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA BCom BSc MA MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें अच्छे मार्क के साथ। पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587995598288। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।